बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े का क्विक रेडी होने वाला स्नैक की रेसिपी लेके आई हूं। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत ही क्विक रेडी होने वाला स्नैक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो टी टाइम के लिए स्पेशल है। तो आइए सबसे पहले इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। इसमें लिए मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के, अभी इसको मैं काट लूँगी, आपको दिखाती हूँ। अनियन एक जो है मीडियम साइज़ का चॉप किया, और 2 यानी कि स्मॉल साइज़ का टमाटर, उसको 2 टेबल स्पून चॉप बना, और एक ग्रीन चिली चॉप की है, और 2 एग्स लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं सीजर के साथ ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह स्मॉल में स्क्वायर्स में काट लूँगी। पहले मैं इसके स्ट्रिप्स में काट लूँगी। आप चाहें तो नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, लेकिन मैं यहाँ पर सीजर यूज़ कर रही हूँ, ये ज़रा ज़्यादा ईजी रहता है मुझे। अब इसके स्क्वायर्स में काट लेंगे ऐसे, ये देखें कितना क्विक और ईजी, ये इसके सारे स्क्वायर पीस हो गए। ये बड़ी क्विक बनती है और टी टाइम के लिए स्पेशल है। ये देखिए एक ब्रेड के जो स्लाइस था वो मैंने स्क्वायर पीस में काट लिया, बाकी के मैं काट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मैंने चारों जो स्लाइसेस हैं उनको मैंने स्क्वायर पीस में काट लिया हुआ। तो अभी हम इस मिक्सिंग बाउल में एग्स को क्रैक कर लेते हैं। अभी ये दोनों एग्स इसमें क्रैक हो गए, तो अभी इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस इसमें बेसिक स्पाइसेस, नमक और ब्लैक का पाउडर, वो सिर्फ हम एक एक पिंच डाल देते हैं। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी 1 पिंच सॉल्ट और 1 पिंच में डाल दूंगी ब्लैक पेपर का पाउडर। और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब हम रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे पैन ले लिया, तो इसकी मैंने फ्लेम ऑन कर ली है, ये प्री हीटेड है। तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है कुकिंग ऑयल डालूँगी। तो जो ये गर्म होता है तो इसमें मैं अनियन जो कि बारीक चॉप की है वो डाल देती हूँ, और इसको हम 2 से 3 मिनट तक सौते कर लेते हैं। प्याज को मैंने 2 मिनट सोटे किया था। अब मैं इसमें टमाटर जो 2 टेबल स्पून है बारीक चॉप किया हुआ, और ग्रीन चिली, ये दोनों ऐड कर देती हैं, और इसको 2 मिनट तक हम सोटे करते हैं। इसमें डाल देंगे स्पाइसी, इसमें जाएगा नमक आधी चम्मच, ऑलरेडी मैंने एग में मिक्स किया, और गार्लिक पाउडर वो भी तकरीबन हाफ टी स्पून ही मैं यूज़ करूँगी। मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप एक जगह लहसुन से भी कर सकते काट के उसको डालें। तो इसमें डाल रही हूँ मैं चाट का मसाला 1 टी स्पून, इससे बहुत ही मज़े का बनेगा। तो अभी इसके साथ हम इसे एग मिक्स करके हम 2 एग से बनाया वो डाल देती हूँ, और हाफ में रखती हूँ, और इसको स्क्रैम्बल हम एक्सेप्ट करेंगे जैसे हम स्क्रैम्बल एक्सेप्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एग हमारा बिल्कुल स्क्रैम्बल रेडी हो चुका है। इसमें हम ब्रेड डाल देते हैं जो कि हम काट के, और इसको अच्छी तरह से हम सोटे करेंगे 2 से 3 मिनट। अभी हमने इसको 2 से 3 मिनट तक सोटे किया, तो अभी हम इसमें जो रिमेनिंग एग है वो डाल देते हैं, और इसको बिल्कुल 5 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे, ताकि ये जो हमारा एग का मिक्सचर सारी ब्रेड पे लग जाए। अभी हम इसको 5 मिनट तक कुक करेंगे। ये देखिए मैंने इसको 5 मिनट तक कुक कर लिया, तो बहुत मज़े के क्रिस्पी हो गए। अभी हम इसको चॉप्ड कोरिएंडर 2 टेबल स्पून
गार्निश कर लेते हैं। ये रेडी टू सर्व है हमारा चाय, तभी मैं आपसे इसको सर्व करके दिखाती हूँ। अभी हम स्नैक की सर्विंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इस डिश में करते हैं। बहुत ही मज़े का हमारा क्विक स्नैक रेडी हुआ विद इन 5 मिनट्स। और इवनिंग की टी के लिए तो स्पेशल है, आपका दिल करा होता है चटपटा कुछ खाने। अब इसको थोड़ा गार्निश करते हैं और एक दिल के साथ। तो ये हमारा स्नैक जो है बनके रेडी है, बहुत ही मजे का अब इसको मैंने गार्निश कर लिया हरे धनिए के साथ। यहाँ पे देखिए मैंने ब्रेड के स्नैक को सर्व कर लिया, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। मैंने ब्रेड के स्नैक को सर्व किया, बहुत ही मज़े का लग रहा है। आप टी के साथ इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही सिंपल और क्रिस्पी रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।